आइए आपको एक कंपनी के मैनेजमेंट से उनके कारोबार विस्तार प्लान्स और ताजा आए नतीजों पर बातचीत करवाते हैं। मैरिको Q4 नतीजे कंपनी के आते हुए दिखे, उन्हें फ्लैट साइड नंबर्स जरूर देखने को मिले, लेकिन आगे चलकर कंपनी के विस्तार प्लान्स क्या हैं, नतीजों पर राय क्या है और क्या कुछ डिमांड सिनेरियो नजर आ रहे हैं, इसके लिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के CFO पवन अग्रवाल जुड़ गए हैं। मिस्टर पवन, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर। सबसे पहले यहाँ पर डिमांड सिनेरियो और कंज्यूमर सेंटिमेंट्स को ही समझना चाहेंगे। करंट सिनेरियो में किस तरह के सेंटिमेंट्स नजर आ रहे हैं, मांग की स्थिति क्या है और साथ ही डोमेस्टिक डिमांड की अगर बात करें, पिछले साल के मुकाबले इस वक्त घरेलू मांग की स्थिति कैसी नजर आ रही है आपको? अगर हम डिमांड ट्रेंड की बात करें, अगर एफएमसी सेक्टर की ग्रोथ आप देखें तो पिछले दो क्वार्टर से वो नेगेटिव टेरिटरी में जा चुके हैं। इन द लास्ट क्वार्टर एफएमसी सेक्टर की ग्रोथ -4% रही है और उसकी पिछले क्वार्टर में -1% रही है। सो ओवरऑल डिमांड स्ट्रेस है एंड स्पेसिफिकली रूरल पॉकेट्स विच हैज डिग्रोन फास्टर देन अर्बन। एंड सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट HPC रिजर्विंग फूड्स, वहां पर ज्यादा स्ट्रेस देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू फूड्स। सो जब तक कि इकोनॉमी में रिसेशन रहेगी तो ओवरऑल सेक्टर में ऑफ कोर्स डिमांड इज नॉट गोइंग टू बी वेरी स्टेबल। ऑलराइट, बिल्कुल। एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि एडिबल ऑयल प्राइसेस जाहिर तौर पर जिस तरह का इन्फ्लेशनरी ट्रिगर्स रहे हैं, इनके प्राइसेस बढ़े हैं अक्रॉस द कैटेगरी, ये बढ़ी है, क्या कस्टमर डाउन ट्रेडिंग भी हो रही है? सी, एडिबल ऑयल के दामों में काफी तेजी आई है। अगर मैं पिछले क्वार्टर के मुकाबले देखूं तो अप्रॉक्सिमेटली 25-26% है, फुल ईयर लेवल पे अबाउट 40% के आसपास है आरबीओ की प्राइसेस। और इसमें हमने क्या किया है, हमने सारी प्राइसेस कंज्यूमर को पास ऑन नहीं करी है, कुछ हमने कंज्यूमर को पास ऑन करी है, कुछ हमने खुद अब्जॉर्ब किया है। एंड देयरफॉर अगर मैं फुल ईयर लेवल पे बात करूँ तो सफोला वॉल्यूम्स ऑन अ 2 ईयर कैगर स्टिल इज क्लोज टू डबल डिजिट्स। So we have not seen a significant down trading, but if this kind of inflation continues, of course there could be some hit on the consumption. So we are watchful and we are also very conscious in terms of हम किस तरह की pricing call ले रहे हैं ताकि consumer को बहुत ज्यादा hurt ना हो, और जितना हम कोशिश ये करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उसको absorb कर सके। So as we move ahead, we'll have to see as to how demand pans out, what is the inflation, and therefore keep your pricing in a manner that it doesn't really hurt volume. ओके, साथ ही इनपुट कॉस्ट सिचुएशन की अगर बात करें, यहाँ पर भी इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट हैं जो कि लगातार नजर आ रहे हैं और एलिवेटेड एक्शन ऑफ कॉस्ट कमोडिटी प्राइसेस में देखने को मिल रहे हैं, जिसका एक इम्पैक्ट है ही जो कि कारोबार पर लगातार सेक्टर स्पेसिफिक हर तमाम सेक्टर पर दिख रहा है। मैक्रो सिचुएशन आगे इवॉल्व होती हुई कैसी आपको दिख रही है इन कमिंग फ्यू क्वार्टर्स, और साथ ही अगर हम मार्जिन पर इसका इम्पैक्ट समझना चाहें, क्या लगता है आगे चलकर इसके इम्पैक्ट मार्जिन पर कैसे दिखेंगे? आप अगर हमारा कॉस्ट बेस देखें तो अप्रॉक्सिमेटली 40-50% उसमें कोपरा कॉन्स्टिट्यूट करता है, और उसमें एक अच्छी बात यह है कि कोपरा में हम डिफ्लेशनरी ट्रेंड देख रहे हैं। कोपरा अगर मैं देखूं तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले सिक्वेंशियली 9% डाउन है, और अगर YOY देखो तो अप्रॉक्सिमेटली 25-30% डाउन है। सो देयरफॉर दैट पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो इज गिविंग अस कंफर्ट। इनफैक्ट पैराशूट कोकोनट ऑयल में हमने दाम गिराए हैं, इन द लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स हमने अप्रॉक्सिमेटली 5-6% दाम गिराए हैं। बट अदर पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो यस, इन्फ्लेशन इज हाई। एडिबल ऑयल जैसे कि मैंने पहले कहा अप्रॉक्सिमेटली 40% YOY बढ़ा हुआ है। इनफैक्ट क्रूड लेड डेरिवेटिव जो है, विच इज LP, SDP एटसेट्रा, उस पर भी काफी तेजी देखने गई, एनीवेयर बिटवीन 20-30%। नाउ गोइंग अहेड, इन्फ्लेशन कब कंट्रोल होगा, इट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ हाउ द एंटायर जियोपॉलिटिकल इशू get panned out in the next couple of quarters. But in response to that, as I said, we have taken certain price increase in edible oil, we've taken certain price increase in hair oils. And therefore, from a margin standpoint, what we feel is given the fact ki copra pe ek mandi hai aur baki portfolio mein thodi si kafi teji hai, to uska mix ke basis pe hum ye keh sakte hain ki hum koshish karenge 18-19% ke margin ke band mein rahe, lekin exact margin kya ho sakta hai, that is something very difficult to predict at this point in time. ऑलराइट, तो देख लेते हैं एक बार FMCG स्पेस में। इनफैक्ट मैरिको के रिजल्ट्स की तो ये बात कर रहे थे, मैनेजमेंट से बात भी करते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर बात करने के लिए हमसे और अपना व्यू हमसे शेयर करने के लिए रिजल्ट्स के पोस्ट नंबर्स। तो मिस्टर पवन हमसे बात कर रहे थे और डिमांड ट्रेंड्स पर भी बात कर रहे थे, CFO मैरिको के। एक बार FMCG स्पेस पर भी नजर डाल लेते हैं। ब्रिटानिया ने रिकवर किया आज, इनफैक्ट इन्फ्लेशन प्रूफ काउंटर्स जो होंगे आने वाले समय में, कहीं ना कहीं ये भी एक व्यू निकल के आता है कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी FMCG स्पेस ये शायद एक हेज हो सकता है। लेकिन रोहित, इस वक्त कैसी पोजिशनिंग दिख रही है आपको?